हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लासेस कैंपस की बायोलॉजी की क्लास में। और जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अपना टॉपिक चलाया था न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, और उसमें एक हमारा कंपोनेंट आया था फूड से कंपोनेंट में विटामिन। तो आज मैं उसी के विटामिन को आगे बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके रिलेटेड एग्जाम में सवाल आते हैं। तो विटामिन एक्चुअली होते क्या है? विटामिन जो होते हैं हमें फूड से प्रोवाइड होते हैं, यानी कि अगर हम एक बैलेंस डाइट लेंगे, एक संतुलित आहार लेंगे, तो उस फूड में हमारे विटामिन की कमी को पूरा करने की फैक्टर डले हुए थे, जो हमारी बॉडी में फूड जाने के बाद रिलीज करता है, उनमें से विटामिन भी हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। एक्चुअली विटामिन होते क्या है? विटामिन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर चलने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शनों को कंप्लीट कराते हैं, जिनसे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। और विटामिन के टाइप क्या होते हैं, विटामिन के जितने भी टाइप्स हैं उनका अपना अपना क्या रोल होता है, तो वो सब आज इस लेक्चर में मैं आगे लेकर चलूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, ठीक है जी। तो जो विटामिन होते हैं, एक्चुअली हमारा शरीर विटामिन को बना नहीं पाता, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन को बनाने का कोई प्रोसीजर नहीं होता। एक्चुअली इन सारे विटामिन को हमारा बॉडी फूड के थ्रू ही एब्जॉर्ब करता है और इसेंशियल विटामिन बनते हैं। तो विटामिन जो होते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारा शरीर बना सकता है, जैसे कि विटामिन के है, उसे हमारा शरीर बना सकता है। और इसमें अगर देखा जाए तो विटामिन टू टाइप्स के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल, एक फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? तो हमारे शरीर में विटामिन की संख्या होती है ए विटामिन, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसमें जो विटामिन बी होते हैं उसके सब टाइप भी होते हैं, तो आज हम देखेंगे इन सब के बारे में। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ विटामिन, विटामिन टू टाइप्स के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल, दूसरे फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं उनमें आता है विटामिन बी और विटामिन सी, और जो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उसके अंदर आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और इसके अगर आगे चलें तो हर एक विटामिन का क्या होता है, अपना सोर्स होता है, यानी कि हम भोजन में ऐसा क्या खाएं जिससे हमें वो विटामिन मिले। और इन विटामिनों की कमी की वजह से, यानी कि विटामिन की एफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट डिजीज भी हो जाती है, जिन्हें हम जो रोग होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट विटामिन की कमी से भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए, जो विटामिन ए होता है, एक्चुअली इन विटामिन का हमें केमिकल नेम भी पता होना चाहिए। एग्जाम में आया था कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, विटामिन बी के कितने टाइप हैं, विटामिन बी वन का नाम क्या है, विटामिन बी टू का नाम क्या है, विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है, तो ये सब मैं आज आपको बताऊंगा इसमें। तो विटामिन ए, विटामिन ए का जो केमिकल नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से आंखों का रोग होता है, मसल्स का रोग होता है, और आंखों के रोग को हम कहते हैं रतौंधी, यानी कि विटामिन ए जिसका केमिकल नाम है रेटिनॉल, उसकी कमी से होने वाले रोग का नाम है रतौंधी। अब विटामिन ए मदद किस में करता है सबसे ज्यादा, विटामिन ए सबसे ज्यादा मदद करता है ब्लड में कैल्शियम का बनना, ठीक जी, मसल्स की स्ट्रेंथ, मसल को मजबूत बनाने में विटामिन ए की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। विटामिन ए मिलता किन चीजों से है, विटामिन ए हरी सब्जियां खाने से मिलता है, और दूध पीने से मिलता है, और एग से मिलता है। ऐसी अब आता है हमारा विटामिन बी, विटामिन बी क्या होता है, उसके बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, यानी कि विटामिन बी अनेक टाइप का होता है। उन टाइप्स में आता है विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सेवन, विटामिन बी नाइन और विटामिन बी ट्वेल्व। इन सभी विटामिन के, यानी कि टाइप्स ऑफ विटामिन बी, सबके केमिकल नाम भी अलग अलग होती हैं और इनकी सोर्स लगभग सेम होती है। कुछ ही विटामिन ऐसे हैं जिनकी सोर्स अलग होती है, यानी कि जिन सोर्स से, जिस फूड से, जिस भोजन से इसको सिंथेसाइज किया जा सके बॉडी में, तो उसके सोर्स भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले विटामिन बी वन, विटामिन बी वन का नाम होता है थायमिन, और ये क्या करता है कि किसी भी व्यक्ति का जो उम्र के साथ साथ हमारे दिमाग का विकास होता है, माइंड डेवलप करने में बहुत बड़ी मदद करता है, ठीक है जी। विटामिन बी वन की कमी से होने वाले रोग का नाम है बेरी बेरी। ये किस सोर्स से मिलता है, ये आपको सूरजमुखी के बीज खाने से मिलेगा, अनाज से मिलेगा, आलू से मिलेगा और एग ईटीसी, ठीक है जी। तो दूसरा होता है विटामिन बी टू, विटामिन बी टू का क्या होता है रासायनिक केमिकल नाम, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ये क्या करता है, जो आपकी स्किन होती है, जो आपकी त्वचा होती है, उसको हेल्दी बनाने में मदद करता है, ठीक है। अगर इस विटामिन की आपके अंदर कमी आ जाएगी तो आपकी जीभ फटने लगेगी, आपकी त्वचा स्किन फटने लगेगी, और
इसका जो सोर्स होता है जिससे इस विटामिन बी टू को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं फूड के थ्रू, तो उसमें आता है बनाना, मिल्क, फिश, ईटीसी। ठीक है जी। विटामिन बी थ्री क्या होता है? विटामिन बी थ्री का केमिकल नेम, रासायनिक नाम होता है नियासिन। नियासिन क्या होता है? जो हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करता है। और अगर हमारे शरीर में सिर दर्द जैसी दिक्कत आती है, या बालों का सफेद होना या बालों का झड़ना, तो वो सब विटामिन बी थ्री की कमी से आता है। विटामिन बी थ्री की कमी हो जाने से कुछ लोग मंद बुद्धि वाली कैटेगरी में भी आते हैं, तो इसलिए विटामिन बी थ्री की भी रिक्वायरमेंट बॉडी को बहुत ज्यादा होती है। और ये किन चीजों से मिलता है, इसके सोर्स क्या है? तो इसके सोर्स होते हैं दूध, दही, टमाटर और गन्ना। ठीक है जी। इन सब चीजों से विटामिन बी थ्री हमें मिलता है। अगला होता है आपका विटामिन बी फाइव। विटामिन बी फाइव का जो रासायनिक नाम होता है, पेंटोथेनिक एसिड। ये किस चीज में मदद करता है? ये हमारे बालों के सफेद होने से रोकता है, दूसरा हमारे बालों को मजबूती देता है। और इस विटामिन की कमी से होने वाला एक रोग होता है पेलाग्रा। ठीक है। एक होता है फोर्डी सिंड्रोम। इसमें जो सिंड्रोम टर्म है, ये क्या होता है सिंड्रोम? सिंड्रोम होता है जो हमारे जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्रोमोसोम में चेंज हो जाना, और उस क्रोमोसोम में चेंज हो जाने की वजह से जो बीमारी बनती है उसी बीमारी को हम सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है। और वो किस टाइप की? जिसमें लिखा 40 सिंड्रोम, तो हम बता सकते हैं विटामिन बी फाइव जिसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड होता है, उससे कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा या फिर 40 सिंड्रोम। अगला चलते हैं विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स जो होता है पाइरीडॉक्सिन विटामिन होता है। ये किस चीज में मदद करता है? जैसे कि हमें सुबह को उठते में थकान महसूस होती है, सिर दर्द होता है आपका। ठीक है जी। अगर आपके अंदर इस विटामिन की कमी हो जाएगी तो आपको तनाव भी फील होने लगेगा, टेंशन होने लगेगी। तो इन चीजों से अगर निर्मुक्त रहना है तो आपको विटामिन बी सिक्स की भी जरूरत पड़ेगी। और विटामिन बी सिक्स की कमी से होने वाले रोग को कहते हैं एनीमिया, और इससे त्वचा वाली भी डिजीज, त्वचा रोग भी होते हैं। अगला विटामिन होता है आपका विटामिन बी सेवन। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम होता है बायोटिन। ये बायोटिन क्या होता है? आपके स्किन, हेयर और जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उन सबके लिए बहुत ही ज्यादा रिक्वायर होता है बायोटिन। एक्चुअली जब भी हम हेल्थ के रिगार्डिंग मल्टी विटामिन की सीरप लेंगे तो उन मल्टी विटामिन में विटामिन बी सेवन जिसका नाम बायोटिन, और आपका ये विटामिन बी थ्री नियासिन, विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं किसी की बॉडी के लिए। ऐसे कह सकते हैं कि एसेंशियल विटामिन होते हैं जिनकी कमी से किसी भी बॉडी में दिक्कत आ सकती है, और अगर इनकी पूर्ति करनी है तो हमें एक शुद्ध भोजन यानी कि बैलेंस डाइट जिसमें ये सब विटामिन भरपूर मात्रा में हो और वो हमारे पेट में जाकर डाइजेस्ट हो फूड, और हमें ये सब विटामिन मिल सके। तो इसलिए हमें एक आहार फूड बहुत ही शानदार तरीके से अच्छा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अगला विटामिन आता है हमारा विटामिन नाइन, बी नाइन। लेकिन विटामिन बी से इससे विटामिन बी सेवन से जिसका नाम बायोटिन उससे होने वाले रोग कौन से हैं? एक आपका लकवा, एक आपके शरीर में थकावट बॉडी पेन, एक आपका बालों का झड़ना हेयर फॉल ईटीसी, एक होता है आपका विटामिन बी नाइन। अगला इस विटामिन बी नाइन जो फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड भी एक्चुअली जो आपकी इसे भी हम जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके लिए यूज में लाते हैं विटामिन बी नाइन। इन तीनों के अलावा विटामिन बी नाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि आपकी जो स्किन है वो भी अच्छी रहेगी, और दूसरा जो गोट डिजीज हो जाती है यानी गठिया बाय, तो गठिया के उपचार में भी हम विटामिन बी नाइन का यूज करते हैं। और इससे होने वाले रोग जैसे लूज मोशन, अगर इसकी विटामिन बी नाइन की कमी अगर आपकी बॉडी में हो जाएगी तो उससे आपको त्वचा रोग हो सकता है, और सॉरी एनीमिया हो सकता है, और लूज मोशन हो सकते हैं। इसका विटामिन बी का लास्ट टाइप होता है विटामिन बी ट्वेल्व। विटामिन बी ट्वेल्व का जो रासायनिक नाम है वो होता है साइनोसोबालमिन। ठीक है जी। ये विटामिन बी ट्वेल्व की कमी होने से हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो सकती है। ठीक है जी। ये हमारे ब्लड को बनाने में, ब्लड के सिंथेसाइज, ब्लड की सेल्स के सिंथेसाइजेशन में भी बहुत मदद करता है। ठीक जी। तो ये विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। ठीक है जी। और इससे माउथ अल्सर, मुंह का अल्सर हो सकता है, मुंह में इंफेक्शन हो सकता है। और इसको इसकी कमी को पूरा करने के लिए हम फूड में गुड बैलेंस डाइट में आप मांस, कलेजी, दूध, अंडा, हरी सब्जियां, ठीक है, इस तरह की बीन्स जो होती हैं छोटे छोटे दाने, ये सब आप अपने फूड में ले सकते हैं। तो ये विटामिन बी के टाइप्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने में बहुत ही इसेंशियल होते हैं।
इन ये सब विटामिन बी वॉटर सोल्यूबल, विटामिन बी वॉटर सोल्यूबल, ये जितने भी विटामिन बी के टाइप्स होते हैं ये टोटली वॉटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक जी, अब इससे आगे हम विटामिन के और टाइप देखते हैं, जैसे कि हमारा विटामिन सोल्यूबल, लेकिन उससे पहले एक और देख लेते हैं जो हमारा वॉटर सोल्यूबल का एक पार्ट है, विटामिन सी। ये विटामिन सी भी वॉटर सोल्यूबल ही होते हैं, और इनका केमिकल नाम क्या होता है, एस्कोर्बिक एसिड। एस्कोर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम। अब ये कहां मदद करता है, कहां मदद करता है, और इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है, ये जो वर्क करता है ये आपके स्किन में और बोन्स में यानी कि हड्डियों की ग्रोथ में भी ये वाला विटामिन हमारा मदद करता है। अगर हमारे अंदर इस विटामिन की कमी हो जाए यानी कि विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग जो होते हैं उन्हें कहते हैं स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना। अगर ये वाली कंडीशन बॉडी में क्रिएट होती है तो इसका मतलब है विटामिन सी की कमी हमारी बॉडी में हो रही है। और अगर हमें विटामिन सी की एफिशिएंसी को दूर करना है तो हमें जितने भी खट्टे हमारे फल फ्रूट्स या फिर जिनमें भी खट्टा पदार्थ जो भी हम लेंगे वो सब विटामिन सी की कमी को दूर करता है, जैसे कि नींबू हुआ, संतरा हुआ, मौसमी हुई, ईटीसी। ठीक है, अब आते हैं हमारे फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन एक्चुअली जो हमारे फैट में सोल्यूबल हों और हमारी बॉडी में लंबे समय तक रह सके। वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं वो हमारी बॉडी में ज्यादा समय तक नहीं रहते, इसलिए हमें पर डे उनसे रिलेटेड फूड खाते रहना चाहिए, तभी हमारे शरीर में उन विटामिन्स की कमी को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि वाटर सोल्यूबल हमारी बॉडी स्टोर नहीं करती, जबकि फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं वो लंबे समय तक हमारी बॉडी स्टोर करके रख सकती है। तो पहला जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उसका नाम है विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम क्या होता है, इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जैसे कि नाम से पता है कैल्सीफेरॉल, इस विटामिन से हमारे शरीर को कैल्शियम मिलता है, और विटामिन डी की कमी से जो होने वाला रोग है उसका नाम है सूखा रोग। ये जो सूखा रोग होता है ये हमारी विटामिन डी की कमी से ही होता है, और विटामिन डी कैल्शियम हम एब्जॉर्ब करने में बहुत मदद करता है हमारी बॉडी को, यानी कि अगर हम अपनी बॉडी को कैल्शियम देना चाहते हैं तो उसमें विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल होता है, और इसकी कमी से होने वाला रोग सूखा रोग। एक्चुअली इस रोग को दूर किया जा सकता है, विटामिन डी के अदर सोर्सेस भी होते हैं, जैसे कि आप धूप में बैठ जाओ तो सनलाइट की जो यूवी रेज होती है पराबैंगनी किरणें, उनसे भी हमारा विटामिन डी मिल सकता है। अगला फैट सोल्युबल विटामिन है विटामिन ई। इस विटामिन ई का केमिकल नाम है टेकोफेराल्स। ठीक है, टेकोफेराल्स, ये विटामिन ई बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होता है हमारी बॉडी के लिए। ये एक्चुअली हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है, शरीर को ताकतवर बनाता है। ठीक है जी, तो विटामिन ई की जो कमी होती है, अगर ये कमी विटामिन ई की बॉडी में हो जाती है तो इससे आपको जनन शक्ति कमजोर हो सकती है, यानी कि उसका रिप्रोडक्शन वीक हो सकता है। ठीक है, इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें वनस्पति ऑयल, अनाज, एग, और एक्चुअली ऐसा कौन सा फूड है जिसमें टोटल विटामिन्स पाए जाते हैं, तो उसका एग्जांपल है एग। एग ऐसा एक फूड है जिसमें हमारे टोटल विटामिन्स पाए जाते हैं, चाहे वो वाटर सोल्युबल हो या फिर फैट सोल्युबल हो। लास्ट हमारा विटामिन है विटामिन के। विटामिन के आगे क्या करता है, विटामिन ए हड्डियों और ऊतकों को बनाने में प्रोटीन प्रोवाइड कराता है। जैसे ऊतक क्या थे, ग्रुप ऑफ टिश्यू, यानी कि ग्रुप टिश्यू क्या था, सॉरी ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि कोशिकाओं का समूह ही ऊतक होता था। तो उस ऊतक को बनाने के लिए जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है हमारा विटामिन के। और इसकी कमी, इसका दूसरा काम क्या, अगर इसकी कमी हो जाए तो ये ब्लड में थक्का जमने लगता है, यानी कि रुधिर में थक्का जमने लगता है अगर इसकी कमी हो जाए तो। ये क्या होता है विटामिन के, और ये हमें किससे मिलेगा, टमाटर से और हरी सब्जियों से। तो इसी के साथ हमारा विटामिन का टॉपिक खत्म होता है, और ऐसा लगता है मुझे कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें। थैंक यू।